Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के खाते में पहला गोल्ड आ सकता है। वेटलिफ्टिंग 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक हासिल करने वाली मीराबाई चेनू को मेडल गोल्ड में बदल सकता है। दरअसल चीनी खिलाड़ी होऊ जिहुई पर डोपिंग का शक है। टोक्यो में भारतीय समूह में एक संदेश है कि होऊ जिहुई का परीक्षण किया जा रहा है और यह देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस बारे में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का सदस्य ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। होऊ जिहुई अपने देश लौटने वाले थे लेकिन उन्हें रुकने को कहा गया है। ओलंपिक के इतिहास में ऐसा पहले हो चुका है जब डोपिंग में फेल होने पर खिलाड़ी का मेडल छीन लिया गया है। अगर टोक्यो ओलंपिक के महिला भारोत्तोलन 49 किलोग्राम में मीराबाई का पदक स्वर्ण में तब्दील हो जाता है तो ओलंपिक के इतिहास में भारत के नाम व्यक्तिगत स्पर्धा में यह दूसरा स्वर्ण पदक होगा। दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने भारत को पहला स्वर्ण पदक बीजिंग 2008 में दिलाया था। मीराबाई चेनू ने ओलंपिक खेलों के भारोत्तोलन स्पर्धा में पदक का भारत का 21 साल का इंतजार खत्म किया। इससे पहले कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में देश को भारोत्तोलन में कांस्य पदक दिलाया था। मीराबाई स्वदेश लौट चुकी हैं। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। चनू ने क्लीन एम जर्क में 115 किलोग्राम और स्नेच में 87 किलोग्राम से कुल 202 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। चीन की होऊ जिहुई ने कुल 210 किलोग्राम, स्नेच में 94 किलोग्राम एंड क्लीन एम जर्क में 116 से स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इंडोनेशिया की एसा विंडी कंट्रिया ने कुल 194 किलोग्राम का वजन उठाकर कांस्य पदक हासिल किया है। मीराबाई ने 2016 रियो ओलंपिक के निराशाजनक प्रदर्शन की भरपाई टोक्यो ओलंपिक में पदक जीत कर ली। टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारोत्तोलक मीराबाई का रियो ओलंपिक में क्लीन एवं जर्क में 3 में से 1 भी प्रयास वैध नहीं हो पाया था। मीराबाई के नाम अब महिला 49 किलोग्राम में क्लीन एवं जर्क में विश्व रिकॉर्ड भी है। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में पहले अपने अंतिम टूर्नामेंट एशियाई चैंपियनशिप में 119 किलोग्राम का वजन उठाया और इस वर्ग में स्वर्ण और ओवरऑल वजन में कांस्य पदक जीता है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।